आपने खाना बनाने के शौकीन इंसानों को तो देखा ही होगा ना, पर उनमें से सबको खाना बनाना आता ही हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक तो जरूर होता है, लेकिन उनसे अच्छा खाना बन नहीं पाता। अब रेचल की सास कमलेश को ही देख लीजिए। कमलेश को खाना बनाने का बड़ा शौक है। शौक छोड़िए, बस ये कहिए कि जुनून है। बस तो आइए देखते हैं इनका जुनून क्या रंग लाता है। अरे आज माँ फिर से किचन में क्या कर रही है? अरे नहीं 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 प्लीज भाभी, ये मत कहना कि आज माँ फिर से कुछ नई डिश बना रही है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। तुम दोनों जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। आज मम्मी जी फिर से कुछ नया ट्राई कर रही हैं। अब पता नहीं वो क्या चीज है, पर अब जो भी है सो खाना पड़ेगा सबको। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, आज कुछ अच्छा ही खिलाएगी तुम्हारी माँ, देखना। पापा सालों से माँ हमें पता नहीं क्या क्या खिलाती हुई आई है। वो खुद को मास्टर शेफ समझती हैं। वो अतरंगी अतरंगी चीजें बना देती हैं और भुगतना हमें पड़ता है। चुप करो तुम, कमलेश आ रही है, उसे बुरा लग जाएगा अगर हम उसके खाने की तारीफ नहीं करेंगे तो, समझे? चुप रहो सब। मैं आ गई, तुम सब तैयार हो ना आज की स्पेशल यूनिक डिश चखने के लिए? हाँ हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। क्या? अरे इसका मतलब है कि हमें तो सब्र ही नहीं हो रहा, अब जल्दी से बता भी दो कि क्या बनाया है। हाँ आज ना मैंने करेले के सैंडविच बनाए हैं और उसके साथ कद्दू की चटनी भी। क्या मम्मी जी, करेले के सैंडविच कौन ही भला बनाता है? माँ अब रेचल आ गई है ना, क्यों तकलीफ लेती हो, रेचल बना लेगी खाना। रेचल क्यों नहीं बनाती हो खाना? अरे अब ये नाटक मत करो, मैं जानती हूँ तुम सब सैंडविच खाने से कतरा रहे हो ना। अरे एक बार खा कर तो देखो, मजा ही आ जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे ऐसा मजा नहीं चाहिए हमें जिंदगी में माँ। मैंने इतने प्यार से सबके लिए बनाए हैं। ठीक है अगर तुम लोग नहीं खाना चाहते तो मैं फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम लोग तो बस ऐसे ही कह रही थी, हम सब खाएंगे खाएंगे आपके बनाए हुए सैंडविच, लाइए लाइए। हाँ और नहीं तो क्या, चलो तुम दोनों भी शुरू करो, जल्दी से ले लो। कमलेश आए दिन अतरंगी डिश बनाती ही रहती और सब उनका मन रखने के लिए खा भी लेते। हालांकि उन सबको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अरे राकेश रुक जाओ, जरा ये चैनल चला दो तो। अरे क्या करोगी माँ ये सब खाना बनाना सीखकर? अरे मैं यहाँ इस चैनल पर ना तरह तरह का खाना बनाना सिखाते हैं, वो करेले वाले सैंडविच ना मैंने यहीं से सीखे थे। भैया जल्दी से चैनल चेंज करो प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कल मुझे भिंडी के पराठे खाने को मिले। या फिर टिंडे के कोफ्ते, या फिर लौकी के बने पकोड़े, या फिर काली चाय के साथ काली दाल के बिस्किट। हाँ हाँ उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन मैं तुम सबको हेल्दी खाना खिलाती हूँ, हेल्दी भी और कुछ डिफरेंट भी। माँ उसे डिफरेंट नहीं अतरंगी कहते हैं, जिसे खाकर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अरे देखिए ना जी ये सब मुझे कैसे चिढ़ा रहे हैं। खबरदार जो अपनी माँ से कुछ कहा तो, एक तो वो इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए ये सब बनाती है। हाँ वो बात अलग है कि वो खाने लायक नहीं होता, पर बनाती तो है। माँ तुम कुछ ऐसा बनाओ ना जो तुम्हें सच में आता हो, जैसे। हाँ कमलेश ये बात तो सच है, तुम कुछ ऐसा ट्राई करो जो तुम्हें सच में अच्छे से बनाना आता हो। अरे तुम लोगों ने मुझे अभी पहचाना ही नहीं है, मेरे हाथों में जादू है जादू। तुम लोगों को पता है दिल्ली में मेरे आस पड़ोस वाले मेरे हाथों के मसाले और अचार के दीवाने थे, दीवाने। सब लोग मुझे ऑर्डर दिया करते थे मसाले बनाने का। लोग कहते थे तुम्हारे मसाले हम खाने में डालते हैं तो खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। तो आपने क्यों छोड़ दिया मम्मी जी? फिर ये सब अतरंगी चीजें जो बनाने लग गई थी माँ। माँ हम अचार के साथ खाना खा लेंगे पर इस करेले के सैंडविच के साथ नहीं। अरे अगर तुम लोगों ने मेरे अचार और मसालों को भी ऐसे ही कहा तो
मैं तुम सबको अरबी के पराठे बनाकर खिलाऊंगी और तुम सबको वो खाने ही पड़ेंगे। अरे हमें पता है, अचार और मसाले तो आप अच्छा ही बनाती होंगी। तो ठीक है, मैं आज रात को ही अपना अचार और मसाला तैयार कर लेती हूँ। लगता है आज खाने में सच में कुछ मजेदार मिलेगा। कमलेश पूरे दिन किचन में लगी रही, कभी कोई मसाला पीसती, कभी कोई। उसने रात तक खाने का स्पेशल मसाला तैयार कर लिया और वही मसाला सारे खाने में डाल दिया और उसके साथ अचार भी तैयार करके रख लिया। अरे चलो अब देख क्या रहे हो, सब लोग खाना खाओ। आज मैंने खाने में अपना स्पेशल मसाला डाला है और ये लो अचार भी खाओ। हाँ हाँ खा रहे हैं माँ। हे भगवान बचा लेना आज। आप खाइए ना मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, पहले तुम सब खा लो और मेरी तारीफ कर लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। आज तो तारीफ करनी ही पड़ेगी वरना माँ अरबी के पराठे खिला देगी। खाकर अच्छे से तारीफ करना दोनों, समझे? अरे क्या आपस में घुसुर पुसुर कर रहे हो, चलो खाना शुरू करो। सब लोग खाना खाते हैं। मसाले हल्के तीखे थे, उसमें गरम मसाला और हींग ज्यादा डली हुई थी और अचार तो तेल में डूबा हुआ था। सब लोगों ने खाना तो खा लिया पर उसके बाद उसे पचा नहीं पा रहे थे। पर जब तक सब लोगों को कुछ समझ में आता तब तक दरवाजे की घंटी बज जाती है। अरे इस वक्त कौन आया है, मैं जरा देखती हूँ। अरे पापा मुझे तो ये खाना पच ही नहीं रहा, खट्टी डकारे आ रही हैं। तुम्हें तो बस डकारे आ रही हैं, मुझे तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। सच में पापा मेरा तो जी मचल रहा है ये मसाले खाकर। अरे ऊपर से तो वो पड़ोस वाले शर्मा जी आए हैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ। अरे चिंकी आई है, उसके सामने ये डकारे मारूंगा, क्या सोचेगी मेरे बारे में। चुप करो, वो लोग अंदर आ गए हैं। अरे क्या हाल चाल है। हाँ हाँ ठीक है, तू बता। अरे लगता है सब लोग अभी अभी खाना खा कर उठे हैं। अच्छा है, हम आप सबके लिए मथुरा के पेड़े लाए थे। अरे गोपाल जरा इसकी खुशबू तो छोड़ खुशबू को, इसे चखे। छोड़ चखने को भी राकेश, इसे अच्छी जगह। अरे अरे लगता है पूरे घर में गैस सिलेंडर भरा पड़ा है। वो क्या है ना चिंकी, लगता है इन सबको पेड़ों की नहीं चूरन की जरूरत है। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम सब पहले खुद को देख लो। और तीनों भाग जाते हैं। अरे तुम सबको क्या हो गया है? क्यों तुम्हें तुम्हारे मसालों की खुशबू नहीं आ रही क्या? आज के बाद ये मसाले मैं कभी नहीं खाऊंगा, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। अरे भैया रुको, पहले मुझे जाने दो। अरे पहले मुझे जाने दो तुम दोनों। अरे नहीं नहीं, मेरा जी मचल रहा है, मैं जाऊंगी पहले। और फिर सब आपस में झगड़ने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।